आज मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे फ्री में SSL सर्टिफिकेट इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी वेबसाइट पर SSL फॉर फ्री वेबसाइट की मदद से। तो आपने गूगल पर जाना है और सर्च करना है SSL फॉर फ्री। तो आपने इस वेबसाइट पर आ जाना है SSLforFree.com। अगर आप सर्च नहीं कर पा रहे तो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मौजूद है, वहाँ से आप क्लिक करके डायरेक्ट इस वेबसाइट को एक्सेस कर सकते हैं। इस वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ से आपने अब सबसे पहले अपना डोमेन सर्च करना है www.mobilesbook.com। मेरा डोमेन तो ये, आपका जो भी है आपने सर्च करना है। यहाँ पर क्लिक करना है क्रिएट फ्री SSL सर्टिफिकेट। उसके बाद आपके सामने ये साइन अप का फॉर्म खुलकर आ जाएगा। अगर आप न्यू यूज़र हैं तो आप यहाँ पर अपना ईमेल डालकर और पासवर्ड डालकर रजिस्टर पर क्लिक कर सकते हैं। अगर आपने ऑलरेडी अपना अकाउंट क्रिएट किया हुआ है इस वेबसाइट पर तो आप यहाँ से लॉगिन कर सकते हैं। तो मेरा ऑलरेडी अकाउंट क्रिएट हो चुका हुआ है तो मैं लॉगिन पर क्लिक करूँगा। मैं अपना यहाँ पर ईमेल और पासवर्ड दूंगा। अब हम आ चुके हैं SSL फॉर फ्री के डैशबोर्ड पर। मैंने लॉगिन कर लिया है सक्सेसफुली और यहाँ पर देख रहे हैं आप लिखा हुआ है 0 SSL। पहले ये वेबसाइट अलग हुआ करती थी और ये वेबसाइट अलग हुआ करती थी। अब इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया है, अब ये एक ही वेबसाइट है। तो अब ये एक पावरफुल टूल बन चुका है। तो हमें सर्टिफिकेट इंस्टॉल कैसे करना है, तो सबसे पहले आपने करना है न्यू सर्टिफिकेट पर और इसको आपने इनेबल नहीं करना क्योंकि ये एक प्रो फीचर है। तो आपने यहाँ पर अपने डोमेन का नाम लिखना है। नाम लिखने के बाद आपने यहाँ से वैलिडेशन चेक करनी है और नेक्स्ट स्टेप करना है। अब आपके पास ये दो ऑप्शन आएंगे, एक 1 ईयर सर्टिफिकेट, एक 90 डे सर्टिफिकेट। 1 ईयर जो है ये आप देख रहे हैं यहाँ पर प्रो लिखा हुआ है, मतलब कि ये पेड है, इसके लिए आपको पे करना पड़ेगा। तो मैं 90 डे सर्टिफिकेट 3 मंथ्स के लिए इंस्टॉल कर रहा हूँ ये, क्योंकि ये एक फ्री अपॉर्चुनिटी है। तो नेक्स्ट स्टेप पर क्लिक करेंगे, इसको ऐसे ही रहने देंगे और नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। और आपने चेक करना है यहाँ से फ्री वाला सेलेक्टेड होना चाहिए और नेक्स्ट पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे और एक साइड में न्यू टैब में आपने होस्टिंग में जाकर अपना cPanel ऑन कर देना है, ओपन करना है। cPanel में जाने के बाद आपने यहां से अपना डोमेन वेरीफाई करना है। वो कैसे करेंगे, तो मैं HTTP फाइल अपलोड करूंगा। उसके बाद यह हमें एक फाइल का लिंक देगा, डाउनलोड ऑथ फाइल, तो हमने ये डाउनलोड कर देनी है फिलहाल। उसके बाद हमने ये फोल्डर बनाने हैं। तो कैसे बनाएंगे चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपने आना है अपने cPanel में और यहाँ से जाना है फाइल मैनेजर में। फाइल मैनेजर में आपने यहाँ पर डोमेन का नाम देखना है, ये लिखा हुआ है mobilesbook.com। तो हमने यहाँ पर जाना है वेल नोन पर। ऑलरेडी हमारे पास ये फोल्डर बने पड़े हैं तो मैं इनको डिलीट करके आपको अगेन बना कर दिखाता हूँ। यहाँ से आपने करना है फोल्डर पर लिखना है, वापस जाना है और ये कॉपी करना है। ये मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर लिखा क्रिएट न्यू फोल्डर। तो इस फोल्डर पर क्लिक करके हमने इस पर एक न्यू फोल्डर बनाना है। वो यहाँ से आपने कॉपी करना है PKI वैलिडेशन। क्रिएट न्यू फोल्डर, ठीक है। अब इस फोल्डर में जाकर आपने वो फाइल अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ से क्लिक करूँगा अपलोड पर, सेलेक्ट फाइल, ठीक है, डाउनलोड्स में होगी ये हमारी फाइल, पड़ी है डाउनलोड्स में। सक्सेसफुली ये अपलोड हो चुकी है। अब हम रिफ्रेश करते हैं इसको,
चलो भाई, हमारी फाइल अपलोड हो चुकी है। अब आगे का क्या स्टेप है? अब इस लिंक पर क्लिक करके आप वेरीफाई कर सकते हैं कि हमारी फाइल सही तरीके से अपलोड हुई है कि नहीं। तो मैं इसको फिर न्यू टैब में क्लिक करके अब देखूंगा। हमारी फाइल सक्सेसफुली हो चुकी है अपलोड। नेक्स्ट स्टेप, वेरीफाई डोमेन। देख रहे हैं आप, वेरीफाई हो चुका है सक्सेसफुली। वेरीफाई करने के बाद आपको ये एक सर्टिफिकेट इशू करेगा, वो आपने इंस्टॉल करना है। वो भी मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे इंस्टॉल करेंगे। तो ये आ गया डाउनलोड सर्टिफिकेट। आपने सर्टिफिकेट डाउनलोड कर लिया, उसके बाद आपने, मैं इसको करूँगा शो इन फोल्डर, और यहाँ पर मैं इसको करूँगा एक्सट्रैक्ट हेयर। इसमें से तीन फाइल्स होती हैं, वो आपने इन यहाँ पर इस सर्टिफिकेट में इंस्टॉल करनी होती है। तो आपने यहाँ सब सब फाइल पर राइट क्लिक कर कर नोट पैड में ओपन करनी है। तो फाइनली हो चुका है। तो हम फिर से जाएंगे होस्टिंग में, और यहाँ पर आप देखेंगे नीचे आएंगे, यहाँ पर लिखा हुआ है SSL TLS, आपका ऑलरेडी इंस्टॉल था सर्टिफिकेट। तो हम फिर इस पर जाएंगे स्टेटस पर। यहाँ पर अपना डोमेन सर्च करेंगे, तो ये आ चुका है। हम यहाँ से करेंगे व्यू सर्टिफिकेट। और नीचे आएंगे, यहाँ पर देख रहे हैं आप, यहाँ पर लिखा हुआ है सर्टिफिकेट CRT। तो देखते हैं हमें जो सर्टिफिकेट मिला है उसमें है ये बात। तो हमारा सर्टिफिकेट CRT जो होगा ये होगा सर्टिफिकेट CRT। तो हम इसको कंट्रोल सी करेंगे और यहाँ पर आकर कंट्रोल वी करेंगे। चलो, हमारा सर्टिफिकेट CRT हो गया। और यहाँ पर लिखा हुआ है, आपने देखा, प्राइवेट की। तो प्राइवेट की का भी हमें एक फाइल मिला हुआ है, प्राइवेट की को हम कॉपी करेंगे यहाँ से और प्राइवेट में की में जाकर पेस्ट करेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सर्टिफिकेट अथॉरिटी बंडल, CA बंडल। तो CA बंडल भी हमारे पास मौजूद है। यहाँ से आपने कंट्रोल सी और यहाँ पर कंट्रोल वी करना है। तो इंस्टॉल सर्टिफिकेट पर क्लिक करना है। तो देख सकते हैं आप, हमारे पास सक्सेसफुली सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका है। तो आप इस वेबसाइट को विज़िट करके भी देख सकते हैं कि आपके पास सर्टिफिकेट इंस्टॉल हो चुका होगा। उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हुई। अगर पसंद आई है तो लाइक करते हैं, शेयर करते हैं अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।